मॉर्निंग गाइस, आज तारीख है 12 नवंबर 2022 और अभी टाइम हो रहा है आपका 10:45, 44 मिनट हो रही है। मैं निकल रहा हूँ अपने घर से। मैं सैटरडे संडे के दिन हमेशा थोड़ा लेट निकलता हूँ, शाम को लेट तक काम थोड़ा कर लेता हूँ। तो अभी मैं निकल रहा हूँ अपने घर से, फिर आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करके दिखाऊंगा ओला उबर में। हाय गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ गौर सिटी। टाइम हो गया 11:01। ये देखिए पीछे गौर सिटी है। अभी मैं अभी घर से निकला था 11:45। 10 से 12 मिनट लगते हैं, 8 मिनट लगते हैं यहाँ तक मुझे पहुँचने में। 5-7 मिनट मैंने गाड़ी साफ करी थी, तो मैं अभी यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। अभी ओला उबर की मैंने डिवाइस ऑन कर ली है। अब कहाँ की ट्रिप आती है कहाँ की नहीं, सारा कुछ बताऊँगा आपको इसी ब्लॉग में। देखते रहें राज टैक्सी ब्लॉग। अभी मैंने जस्ट अपनी ट्रिप ऑन की थी, अभी 11:05 टाइम हो रहा है। देखिए वैसे ही मेरे पास ट्रिप आ गई है, पम ओलंपिया से गुड़गांव की ट्रिप है। ये मिनी की ट्रिप है, पर लेकिन मैंने इसलिए एक्सेप्ट कर ली क्योंकि अभी सैटरडे का दिन है, ट्रैफिक होगा नहीं आज रोड पे बिल्कुल भी। और गुड़गांव हम जल्दी से, शायद मे भी 1 से 1.5 घंटा लगेगा मुझे पहुंचने में, 1 घंटा 20 मिनट मैक्स टू मैक्स। तो अभी इन राइडर को कर लेते हैं पिकअप और गुड़गांव पहुँच के फिर आपको दिखाऊंगा मैं कि कितने की ट्रिप कितने की हुई है ट्रिप, कितने में का बिल बना, कितने मुझे मिले इसमें। तो गुड़गांव पहुंच के आपको मैं दिखाता हूँ कितने की इस ट्रिप में मेरी अर्निंग हुई और कितने राइडर का फेयर बना, सारा कुछ बताऊंगा आपको इसी ब्लॉग में। देखते रहें राज टैक्सी ब्लॉग। हाय गाइस, मैं गुड़गांव जा रहा था तो यहीं रास्ते में जो PMO हाउस है, यहाँ पे जो रेस कोर्स रोड है, जो जहाँ पे दिल्ली किला है उसके सामने ये वाला, उसके पीछे जो CNG पंप है भारत पेट्रोलियम, यहीं पे मैं CNG फिल करा रहा हूँ। अभी देखो टाइम हो रहा है आपका 12 बज रहे हैं। कितने की गैस आती है वो मैं बता दूंगा आपको। महिपालपुर से मैं रात को गैस भराई थी 550 रुपये की। उसके बाद मैंने गुड़गांव चक्कर लगाया था, गुड़गांव से फिर मैं ट्रिप लेके आता था सी आर पार्क से अपने घर। तो अभी यहाँ पे आया हूँ, तो अब कितने की गैस लगती है मेरी गाड़ी में मैं आपको बता दूंगा। मे भी 362 रुपये की आई है। पहुँच चुका हूँ गुड़गांव, सेक्टर 38 की ट्रिप लेके आया था इसको नोएडा से। इनका इस ट्रिप में राइडर का फेयर बना है 908 रुपये। मुझे अर्निंग हुई है इस ट्रिप में 597 रुपये की अर्निंग है और प्लस 100 रुपये का टोल MCD, तो 697 रुपये दे दिए मुझे। पर लेकिन हरियाणा का टैक्स मुझे नहीं दिया इस ट्रिप में। एक्चुअली में मुझे इनको 800 रुपये देने चाहिए थे कम से कम। मिनी की ट्रिप थी, मैं इसीलिए मिनी की ट्रिप बहुत कम प्रेफर करता हूँ। अभी सैटरडे का दिन है और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं ले लेता हूँ। इस ट्रिप में मेरी गाड़ी चली है 60 किलोमीटर ऑलमोस्ट और प्लस 1.5 घंटे का मुझे टाइम लगा है। तो इस ट्रिप में मेरी टोटल अर्निंग हुई है 700 रुपये की, मान लीजिए 3 रुपये कम। तो अभी मेरे पास एक ट्रिप आ चुकी है, गो की ट्रिप है, टर्मिनल 2 की है एयरपोर्ट की। तो मैंने पिकअप कर लिया, मैंने चलो कोई बात नहीं गुड़गांव से निकल जाएंगे एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे, तो देखते हैं मे भी वहाँ से अगर दोबारा से गुड़गांव या नोएडा की ट्रिप मिल जाए कोई। तो चलो राइडर से बात होगी, ये मेरी राइडर बाहर ही खड़े हुए हैं सोसाइटी के, बोल रहे थे कि मेरी पहली कोई ट्रिप बुकिंग कैंसिल हो गई है, तो मैं आपके इंतजार कर रहा हूँ गेट पे ही हूँ। तो चलो पहुँचते हैं राइडर की लोकेशन पे, पिकअप करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं एयरपोर्ट पहुँच के कितने बजे पहुँच जाऊँगा, कितने रुपए की मुझे ट्रिप मिलेगी, उस ट्रिप में मेरी कितनी अर्निंग होगी, सारा कुछ बताऊँगा आपको मैं एयरपोर्ट पहुँच करके। अभी आपका टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 12:43 हो चुके हैं। तो चलो मिलते हैं एयरपोर्ट पहुँच के। मैं अभी पहुंच चुका हूं टर्मिनल 2 एयरपोर्ट। गुड़गांव से ट्रिप लेके आया था, इसमें मेरी अर्निंग हुई है 241 रुपये प्लस 100 रुपये का MCD टोल, यानी 341 रुपये। गाड़ी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कितनी चली है, टाइम कितना लगा है। और आजकल मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है कि मुझे लग रहा है एयरलाइंस वालों से और मुझसे कुछ ज़्यादा ही नाता है, ज़्यादा थोड़े दिनों में तुम्हारा भाई एयरलाइंस में घूमने वाला है। अभी जिन सर को लेके आया था वो पायलट थे, जहाज चलाते हैं, तो बोले थे तुम अपनी गाड़ी उतारो, मैं अपनी गाड़ी जा करके चलाऊंगा ऊपर। बोल रहे थे कि बस वहाँ पे क्या होता है, ट्रैफिक भी वैसा ही होता है पर वहाँ पे सिग्नल नहीं होता। तो वो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा लगा मुझे आज उनसे मिलके, सर से पायलट थे, बहुत सारी उन्होंने मुझे जानकारी दी और मैंने भी बहुत सारी उनको ओला उबर के बारे में जानकारी दी और मैंने अपने चैनल के बारे में बताया था उनको। तो काफ़ी कुछ अच्छा रहा उन राइडर के साथ मेरा। तो चलो अब यहाँ से कहाँ की ट्रिप मिलती है कहाँ की नहीं, सारा कुछ बताएंगे आपको इसी ब्लॉग में। गो, अभी टाइम हो रहा है आपका 1:37। तो अभी मैं घर से निकला था, वही 10:45 के करीब निकला था, 11 बजे गौर सिटी था मैं। तो अभी 2-2.5 घंटे हुए हैं, मैंने 1000 रुपये से ऊपर की भी मैंने अर्निंग कर ली है,
शाम तक में भी आज मेरा टारगेट रहेगा कि 4000 रुपये कर लूँ, तो चलो देखते हैं 4000 रुपये का टारगेट होता है मेरा पूरा कि नहीं। ये सामने देख रहे हो आप ऊबर का बोर्ड है, वही ऊबर की पार्किंग है बहुत सारी। आप इस रास्ते से सीधा इधर आओगे इस तरफ तो इधर वॉशरूम वगैरह है टेस्टी ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस के जस्ट पीछे, और ये है हमारा टर्मिनल 2 का एयरपोर्ट। ये देखिए दोस्तों मेरी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई है और मैं थोड़ा वॉशरूम आया था, तो अभी देखते हैं। नंबर दिखा रहा है 15 से 20 प्रीमियर का और 25 से 30 दिखा रहा है गो का, और ओला का भी दिखा रहा है 25 से 30। तो देखते हैं किस में ट्रिप पहले आती है नहीं आती है, कहाँ की आती है तो सारा कुछ बताएंगे आपको इसी ब्लॉग में, देखते रहें राज टैक्सी ब्लॉग। हाय गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ नोएडा सेक्टर 61। अभी एयरपोर्ट से लेके आया था टर्मिनल 2 से ट्रिप, तो मैंने दोनों डिवाइस ऑन कर रखी थी, ऊबर की पार्किंग में थी मेरी गाड़ी, ओला की ट्रिप आ गई थी, तो मैंने फिर ऑफलाइन निकलवा करके ऑफिस ही करा करके फिर मैं ओला की पिकअप जोन में आ करके इनको पिकअप करके लाया हूँ। इस राइड में मेरी गाड़ी चली है 38.9 किलोमीटर, समय लगा है 1 घंटा 15 मिनट, और मेरी अर्निंग हुई है 472 रुपये और प्लस 120 रुपये मुझे यूपी का टैक्स, यानी कि 592 के करीब मिले हैं मुझे, 592 रुपये मिले हैं। तो ये होगी अर्निंग मेरी, ठीक है कोई बात नहीं, प्राइम की ट्रिप थी अच्छी पैसे मिल गए, और अभी तक मेरी अर्निंग ऑलमोस्ट, मैं 11 बजे निकला था और अभी बज रहे हैं 3:35, मेरी अभी टोटल अभी तक अर्निंग ऑलमोस्ट हो चुकी है तकरीबन 1600 रुपये की, 1600 से प्लस की है, और अभी मुझे 4 घंटे हुए हैं, 4 साढ़े 4 घंटे, अभी मेरे पास बहुत सारा समय पड़ा है रात के 10 बजे तक। तो मेरा आज टारगेट है 4000 रुपये की अर्निंग करनी है मुझे, होता है 100-200-500 रुपये ऊपर या नीचे, देखते हैं कितनी अर्निंग हो पाती है सारे दिन में मेरी, देखते रहे राज टैक्सी ब्लॉग को। हाय गाइस, मैं नोएडा में था सेक्टर 61 सेक्टर, तो वहाँ से मेरे पास ट्रिप आई थी ईको ब्लेस सुपर टैक 1 बिसरक के पास में, उनको मैंने ड्रॉप कर दिया था, तो वहाँ पहुँचते ही साथ ही 4-5 मिनट में मेरे पास ट्रिप आ गई थी निजामुद्दीन की, तो निजामुद्दीन उन सर की ट्रेन थी 5:50 की, तो मैंने उनको 5:35 में ड्रॉप कर दिया था टाइम से। इस ट्रिप में मेरी गाड़ी चली है 28 किलोमीटर, टाइम लगा 32 मिनट का, मेरी अर्निंग हुई है 391 रुपये प्लस 100 रुपये को 491 रुपये, अर्निंग तो बहुत बढ़िया होगी 32 मिनट में 500 रुपये ऑलमोस्ट, 9 रुपये कम रह गए। तो वहाँ पे था मैं, तो वहाँ 10-15 मिनट मैंने वेट किया, कोई ट्रिप बंद नहीं रही थी, अब इधर प्रगति मैदान की तरफ ना सर्ज लग रहा था, तो मैं इधर आ गया हूँ, अभी टाइम हो गया है 6:00, 2-3 मिनट कम है, तो अभी आप यहाँ पर पहुँच गया हूँ, देखता हूँ यहाँ से कहाँ की ट्रिप मिलती है कहाँ की नहीं, सारा कुछ बताऊँगा आपको इसी ब्लॉग में। मैं आज घर से निकला था 11 बजे और अभी टाइम हो गया 6:00 ऑलमोस्ट, यानी कि 7 घंटे गाड़ी चला ली है मैंने, ऑलमोस्ट मेरी 2200-2300 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। अगर मैं मान लीजिए कि 10 बजे तक भी गाड़ी चलाऊँगा तो मुझे अभी टारगेट करना है अपना 3:30-4 के करीब ऐसे तो मुझे पहुँचना है 11 बजे तक रात के, पर उससे अगर थोड़ा बहुत कम रह जाता है तो कोई बात नहीं, पर मैं कोशिश रहेगी मेरी 4000 का करने की, तो चलो देखते हैं टारगेट पूरा होता है कि नहीं होता है, सारा कुछ बताएंगे आपको इसी ब्लॉग में, देखते रहें राज टैक्सी ब्लॉग। वो हाय गाइस, मैं प्रगति मैदान था, तो वहाँ से मैं ट्रिप लेके आया था चिराग दिल्ली, तो मैंने उनको ड्रॉप कर दिया था, ड्रॉप करते के साथ ही थोड़ी देर बाद ट्रिप आ गई थी मेरे पास वसुंधरा की थी गाजियाबाद, तो राइडर की लोकेशन में पहुँचने वाला था, उन्होंने वैसे पहुँचते के साथ ही पहले से ही यहीं पर कैंसिल कर दी, मैंने कहा उनका, उन्होंने मुझे कॉल किया था तो नंबर आया था उनका, मैंने वापस ही कॉल किया, ऊपर से यहाँ पर बाहर खड़े हुए थे, तो बोल रहे हैं कि यार मेरे को ना 10 मिनट का काम पड़ गया इसलिए मैंने कैंसिल कर दी है, तुम 10 मिनट इंतजार कर लो तो मैं आपके साथ चला जाऊंगा, ये तो ठीक है। ये देखो आप पीछे दिख रहे होंगे एक गाड़ी के पीछे खड़े बात कर रहे हैं, वही कस्टमर है, तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं है वेट कर लूँगा 10 मिनट का, तो मैंने पूछा सर अमाउंट कितना दिखा रहा था, तो बोल रहे थे 6:30 के अराउंड कितना दिखा रहा था, आप चेक कर लेना कोई बात नहीं उतना ले लेना, तो ठीक है मैंने कहा। अब ये दिक्कत हो जाती है जैसे अगर वहाँ पर मैं लेके जाऊँगा तो वहाँ पर फिर मैं ओला चालू नहीं कर सकता, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैं कैंसिल करके बहुत कम चांसेस होते हैं जो करता हूँ, वहाँ जाके फिर मुझे ऊबर चालू करनी पड़ेगी, तो चलो अब जैसे हो तो गया ये, अब तो वहाँ जा करके ऊबर चालू करूँगा अपनी, उसके बाद मैं फिर आपको अर्निंग बताऊँगा टोटल। हाय गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ वसुंधरा गाजियाबाद, और अभी टाइम हो रहा है आपका 8:25। अभी ये जो वही राइड है जो कस्टमर सर थे वो बोल रहे थे कि 10 मिनट बाद मुझे जाना है, तो मैंने कैंसिल कर दी, तो मैं वहीं पे खड़ा हुआ था मैं, तो सर कह रहे हैं 10 मिनट में चल रहे हैं, 10 मिनट की बोल के 20 मिनट लगा लिए, कम से कम 20-25 मिनट, कोई बात नहीं है 630 रुपये उनको दिखा रहा था,
तो 630 रुपये की जगह उन्होंने पूरे मुझे 700 रुपये दे दिए। अभी मैंने उनको ड्रॉप किया यहीं पे तुपुल इस होटल में। तो अभी तक तो मेरी अर्निंग ठीक ठाक हो चुकी है, मेरी 2000 कुछ रुपये की गुलाम हो चुकी है, 700 रुपये 2700 और 500 ऊबर में मेरी, यानी कि 2200 के करीब की अर्निंग हो चुकी है मेरी। अभी भी मेरे पास 2-3 घंटे का टाइम, अगर अभी भी एयरपोर्ट की ट्रिप, एयरपोर्ट से अगर दोबारा से नोएडा ट्रिप लग गई तब भी मेरा 4000 रुपये का टारगेट आराम से पूरा हो जाएगा। इस ट्रिप में मुझे 700 रुपये मिले हैं, इसमें देखो मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट भी हो गया है। अगर इसके, अगर मान लीजिए कि इसमें कमीशन कंपनी काट भी लेती तो ये है कि मुझे फिर टाइम बच जाता मेरा 20-25 मिनट का था। तो चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अभी देखते हैं यहाँ से कहाँ की ट्रिप मिलती है। ऊबर अभी मैंने चालू कर ली, ओला चालू कर नहीं सकता, चालू करूँगा तो पेनल्टी लगा देगा, तो ओला ऐसे चालू नहीं कर सकते। तो चलो देखते हैं कहाँ की ट्रिप मिलती है कहाँ की नहीं, सारा कुछ बताएंगे आपको इसी ब्लॉग में, देखते रहें राज टैक्सी ब्लॉग। मैं ट्रिप लेके गया था चिराग दिल्ली से वैशाली, तो उनको मैंने ड्रॉप कर दिया था, वो ओला से अलग से ले गया था मैं। तो उसके बाद क्या हुआ था कि वहाँ मैंने ऊबर चालू कर रही, तब तकरीबन आधा घंटा ट्रिप आ नहीं रही थी, और मेरे पास सुबह की एक ट्रिप आ गई है, दिन में ही आ गई थी ट्रिप मेरे पास कि सुबह 10 बजे निजामुद्दीन से बिजनौर की ट्रिप है। तो कौन है राइडर, कहाँ से है, मेरे पर्सनल कस्टमर हैं, तो उनसे मैं आपको कल इंट्रो कराऊंगा और आपको बिजनौर का सैर कराऊंगा निजामुद्दीन से। तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी आ गया था अपने घर, मैंने कहा चलो छोड़ो घर चलते हैं अपने, सोऊंगा आराम से, सुबह 8 बजे निकल जाऊंगा, एक ट्रिप लोकेशन लगा लूँगा अपने घर से निजामुद्दीन की, एक ट्रिप कर लूँगा वहाँ से, फिर उनको पिकअप कर लूँगा सर को, उनको सिर्फ छोड़ के आना है। और मैं आज को आपकी अर्निंग बता दूँ सारे दिन की, 2010 रुपये की है मेरी ओला में, और प्लस 522 रुपये की है मेरी, 422 और 100 रुपये का टोल, 522 का है मेरा ऊबर में, यानी कि 2532। और 700 रुपये जो चिराग दिल्ली से जो गाजियाबाद छोड़े थे सर कस्टमर, उन्होंने 700 रुपये दिए थे मुझे, तो 2500 रुपये की, और ओला में हुई है 2000 रुपये की, और ऊबर में 500 रुपये की,